चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। डिसीजन चल रहा वो नागपुर से चल रहा, नागपुर पॉलिसी देश में चालू है। 26 जनवरी 2024 में पूरे देश में किसान ट्रैक्टर परेड की तैयारी करेंगे। जहां पे भी सरकारें किसानों के खिलाफ गलत फैसले लेगी हम वहां पे जाएंगे। आदरणीय किसानों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, ये 13 महीने और 13 दिन, 13 महीने दिल्ली में ये किसान रह सके तो ये यहां पे भी रह सकता है, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं। हाथ में प्रशासन के भी नहीं है, क्योंकि जो भी डिसीजन चल रहा वो नागपुर से चल रहा, नागपुर पॉलिसी देश में चालू है। नागपुर पॉलिसी वहां से ही चल रहा है। आदेश दे दिए कि 13 दिन हो गए जी, आम का 13 दिन हो गए, आन के बताओ। मुख्यमंत्री कह रहे कि बिजली फ्री देगा किसान को, बिजली विभाग कह रहा के पीएससी बुलाएंगे। हमने कहा का ना, मिलिट्री बुलाओ, मिलिट्री मिलिट्री रखवा इस पे। बिजली की जो भी घोषणा होगी 2027 में अपने घोषणा पत्र में लेकर आओ, उससे पहले बिजली का मीटर 12 पे नहीं लगेगा, वे चोर ले जाएंगे उसको। भाई मीटर बहुत कीमती है, हमारे स्टार्टर भी पाल रहे और हमारे केबिल भी पाल रहे, इसे मीटर को भी या तो अपनी करो, पहरेदारी है पुलिस प्रशासन के लोग, मीटर चोरी होगा हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मीटर चोरी होने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है, नाम लगने देंगे, अपने घोषणा पत्र में लेकर आओ। ये एजेंडे के लिखो के घोषणा पत्र में फ्री बिजली और अब लगेंगे मीटर। इनका मंत्री कहता है आन के मुझे फनगर में कि हम तो फ्री देंगे मीटर में को बिजली। वो टेक्नोलॉजी बताओ कि फ्री बिजली यहां को मिलती हो। ये बड़ा इशू है, बड़ी कंपनियों को बिजली बेची जा रही है, वे आपसे वसूली करेंगे, आपके घरों पर जाएंगे, इनसे मांगो जितना बिल, बिल से ज्यादा जुर्माना देश में है। एक का घर पे छापेमारी, एक का पंखा और कोई गरीब आदमी एक पंखा एक लाइट चला रहा, 67,000 रुपए का बिल। ये डराने और धमकाने का काम कर रहे, एक बड़ा मुकाबला इनसे भी होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत, ट्रैक्टर, जनरेटर, गाड़ियां 10 साल में कौन सी खराब हो जाती है? 10 साल में ट्रैक्टर, हमारा ट्रैक्टर जो यहां पे भी है, जो किसान सहारनपुर से लेकर आया, उसका करीब 62 साल पुराना ट्रैक्टर है। वो 62 साल से खेती कर रहा, लेकिन सरकार की नजरों में वो टूट गया, क्योंकि बड़ी कंपनियों को फायदा होगा, उन कंपनियों को बिजनेस देंगे। ये कंपनियों की सरकार है, इससे बच के रहना, मुकाबला इससे केड़ा होगा केड़ा। ये ट्रैक्टर ये कहते हैं कि 2024 में क्या करोगे? हाँ भाई करेंगे 2024 में। ये प्रेस वाले भी सुन लो, ये नागपुर का जो क्वेश्चन आ रहा है ना आपके पास में, नागपुर से लिखित में क्वेश्चन आ रहा, 2024 में करेंगे हम। 2024 में 26 जनवरी 2024 में पूरे देश में किसान ट्रैक्टर परेड की तैयारी करेंगे। ये किसान परेड निकलेगी 2026 में, 2024 में 26 तारीख। और ज्यादा छेड़खानी करियो ना, नहीं तो 3 दिन का मेला हर शहर में लगेगा। 26 तारीख से 28 तारीख तक ये मेला भी लगेगा। और ज्यादा छेड़खानी करी, अपनी तैयारी रख रहा, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, बहुत खतरनाक। यहां पर आए हुए हैं जो कुछ विधायक भी आ रहे,
हमने कहा भाई किसान वर्ग का बट्टो नीचे और हाउस में हमारी आवाज जो उठाएगा आने वाले टाइम पे हम उसी को जवाब देंगे। पार्लियामेंट में विधानसभाओं में इनकी जिम्मेदारी है वहां पे किसान की आवाज उठाए। ये लोग कहते हैं जी आप पे एक पार्टी के खिलाफ होना गलत चीज, ये किसान संगठन किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है। अगर हमारा बिहार के किसान पे लाठीचार्ज हुआ तो हम वहां पे भी गए तो वहां के लोग कह रहे जी बीजेपी के लोग आपके साथ में है। हमारा छत्तीसगढ़ में आंदोलन चल रहा वहां पे इनकी सरकार नहीं है किसी और की सरकार है, वहां पे करीब 13-14 महीने से आंदोलन चल रहा। इन्होंने कहा जी आप वहां पे बीजेपी सरकार सपोर्ट कर रही, हमने कहा कि ना हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। जहां पे भी सरकारें किसानों के खिलाफ गलत फैसले लेगी हम वहां पे जाएंगे। चौधरी युद्धवीर सिंह जी ने आपको बताया हम अभी इसी महीने में करीब 7-8 स्टेट में प्रोग्राम इसी महीने में है जाएंगे। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, पूरा देश की नजर यहाँ पे है। यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं अभी, इनसे कर लेंगे कि सरकार ने क्या कहा है। मीटर का स्पष्टीकरण दो, वाहनों का स्पष्टीकरण दो, गन्ना भुगतान पे क्या इशू है, गन्ने के रेट पे क्या इशू है, हमारा पशु पे क्या है इशू बहुत है। अगर आपका आंदोलन कमजोर होगा तो ये आपको कमजोर करने का काम करेंगे। और सबसे ज्यादा नजरे जो सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति है आपकी जमीन छीनने का प्लान है। ये सरकार और एलआईयू के लोग होंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी जमीन कैसे छीनी जाएगी। अगर हमारे एग्रीकल्चर में कुछ लोग बैनामा करवाते हैं हाईवे की जमीन का और जो अंदर रास्ता जा रहा है, ध्यान से सुन लेना किसानों को पता है ये अंदर जो हमारी चक रोड है वो 7.5 फीट की है, वो जब दीवार खींचता है बराबर में तो 14 इंची की सीमेंटेड दीवार खींचता है वो, और सीमेंटेड दीवार वो खींच के रास्ता बंद करता है, फिर बराबर का भी वो खेत लेगा और उसमें भी दीवार खींचने का काम करेगा तो 7.5 फुट में ना आपकी चकोड़ में आपकी बुकी जाएगी ना ट्रैक्टर ट्रोली जाएगी। वो एग्रीकल्चर में बैनामा करवाता है कृषि में और कॉमर्शियल एक्टिविटी करता है और आपकी पीछे की जमीन सस्ती खरीदता है। फिर हम चाहते हैं यहाँ की सरकार से एलआईयू से यहाँ के पुलिस प्रशासन से अधिकारियों से कि अगर कोई भी या तो खेती करे अगर वो कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करता है तो उसको 3 फुट जगह छोड़नी पड़ेगी रास्ते में, नहीं तो ये दीवारें भी आपको तोड़नी पड़ेगी। ये टेक्निकल पॉइंट है, पीछे की जमीन सस्ती लेगा वो, ये टेक्निकल पॉइंट है हमारा। अगर शहर में कोई दुकानदार दोबारा दुकान बनाएगा उसका नक्शा जब पास होगा जब 3 फीट पीछे खाली छोड़ देगा, वो खाली जगह छोड़ता है 3 फीट, तो हमारे किसान क्या उसमें क्यों नहीं? वो व्यापारी है, आपकी महंगी जमीन है, पूरे व्यापारी आपकी जमीन खरीदने पर लगे हुए हैं। ध्यान से सुन लेना, जो किसान अपनी जमीन बेचेगा वो दोबारा कभी जमीन नहीं खरीद सकता, कोई व्यापार कर लेना, क्योंकि जो क्लोज था 2013 जो एक्ट बना था 1913 जो एक्ट बना था ये 2013 में उसमें संशोधन कर दिया। आज व्यापारी आपकी जमीनों पे खरीद कर रहे हैं, वे महंगी सस्ती आपकी जमीन खरीद रहे हैं, जमीन बिकेगी किसान बर्बाद होगा। अगर हमारे पूर्वज ये जमीन बेचकर चले जाते तो हम क्या करते? आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपनी आने वाली तीसरी पीढ़ी के लिए, हमको कुर्बानियां देनी पड़ेगी, एक आंदोलन बड़ा लड़ना पड़ेगा एमएसपी के लिए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के लिए, ये ट्रैक्टर बचाने के लिए। तो हमारा जो जीवन है ये 10-15 साल जो 20 साल जो संघर्ष होंगे इसके लिए एक बड़ा आंदोलन हमको करने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सुनहरा गोल्डन साल आ गए, ओहो गोल्डन आ गया, 15 लाख रुपए की बात करी, सबने खाते खुलवाए और कहा है आमदनी दुगुनी हुई 15 लाख से, 5 किलो अनाज पर आ गए, बोल कोई सा रहा नहीं, 5 किलो अनाज पाए हो, 15 लाख से 5 किलो अनाज पाए और बहस इस पर हो रही थी अनाज ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक आंदोलन हमको करना पड़ेगा, यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, जीआईसी ग्राउंड में ये धरना चल रहा है, ये मेला चल रहा है,
यहाँ पे अधिकारी आ गए, अधिकारी संतुष्ट हमको कर देंगे। हमारे कुछ सवाल है उनसे, अधिकारी से बैठ के बातचीत होगी, उनके क्या मसले हैं, उनको क्या भारत सरकार ने कहा है, उसी के बाद में ये कमेटी निर्णय लेगी यहाँ के धरने का, नहीं तो ये धरना बादस्तूर जारी रहेगा। यहाँ पे डीएम और एसएसपी साहब यहाँ पे आए फर्जी मुकदमे, ये डराने का काम ये सरकार कर रही कि फर्जी मुकदमे लगाएंगे। जो भी विभाग मुकदमे लगाएगा, जुर्माना लगाएगा, उसी विभाग को भुगतना पड़ेगा। जैसे हरियाणा का गन्ना आता था तो हमने कहा कि भाई हरियाणा का गन्ना यहां पर आ रहा है, इसको छेड़ना नहीं, अगर कोई विभाग इसको छेड़ेगा तो उसी को भुगतना पड़ेगा। तो किसी ने नहीं छेड़ा था, लेकिन उनके किसानों का भुगतान नहीं हुआ पिछले 5 साल से, उत्तराखंड में डाला था। यहां पे भी गन्ना भुगतान की भी बड़ी समस्या है। कुछ संगठन आए, वो केस को कोर्ट में लेके गए गन्ना भुगतान और गन्ना रेट को, उसी से ही किसान बर्बाद हुआ, क्योंकि ये किसान अपनी लड़ाई लड़ता था गन्ना रेट की, भाव के बढ़ाने की, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि कोर्ट में चले गए कि भुगतान पे आ गए, रेट बढ़ाने की बात भूल गए कि भुगतान दे दो। प्रधानमंत्री जी कह रहे कि डिजिटल कर दिया हमने, हमने कहा कि गन्ने को भी कर दो डिजिटल, गन्ने का डिजिटल भुगतान आएगा 1 साल में। हम तेल खरीद देंगे, सब्जी खरीद देंगे, कोई चीज खरीदते हैं तो तुरंत 2 मिनट में, 10 सेकंड में, तो कैसा डिजिटल भाई। तो ये धोखाधड़ी का डिजिटल है। ये बच्चों ज्ञान प्राप्त हो गया होगा बिल्कुल, सब लोग ध्यान रखें सब चीजों का, अभी अधिकारियों से बातचीत करते रहेंगे, नहीं तो ये जो फाइटर विमान हमारे लगे हुए हैं ना, ये जहां पे भी लग जाएंगे जाके, ये ट्रैक्टर भी इस पे फाइटर विमान लिखो, इस पे ट्रैक्टर पे यही काम करेगा। आज के बाद में इसमें निशान बना के फाइटर विमान, इसने जिस जिसने भी जहां जहां के भी युद्ध लड़े, दिल्ली 2021 की 26 जनवरी में इस युद्ध में शामिल हुए, जो जो से ट्रैक्टर हुए, ईमानदारी से लिख लेना, उसको कोई नहीं रोकनेगा, वो टूटने का ही नहीं, जिस पर लिख लोगे टूटेगा नहीं हो, क्योंकि एंटिक है पूरा पीस, वो एंटिक। तो ये सब आपका आंदोलन बड़ा है। एसकेएम के हमारे लीडर पूरे देश में मीटिंगें कर रहे हैं, हमारी सब जगह जा रहे, और एसकेएम पे पूरे देश को विश्वास है। हम कश्मीर में गए, वहां के सेब के किसानों की दिक्कत, उन्होंने कहा जी एसकेएम लड़ाई लड़ ले, 1500 से 2000 करोड़ रुपए का सिद्धांत को नुकसान दिया इन्होंने, अडानी ने, उनके ट्रक रुकवाए वहां पे, और 18 दिन तक ट्रक भरे करे रहे सेब के किसान के, और उनको सीधा 1500 से 2000 करोड़ का नुकसान हुआ। यही हाल बिहार में, बिहार का किसान है जो आपके यहां मजदूरी करता है, वो किसान है वहां का, लेकिन वहां पे ये कानून 17 साल पहले लागू हो गए, वहां पे मंडियां बंद है बिल्कुल, वहां का व्यापारी गांव में जाता है, किसान की फसल खरीदता है सस्ते रेट में, अपनी गाड़ी अपनी तराजू और अपना भाव लेकर जाता है, और पैसे कब देगा वो भी नहीं उनको पता, उन्हें सबने बिहार छोड़ दिया। यही हालात उत्तर प्रदेश इन स्टेटों की होंगी, लेकिन उससे पहले जागरण हो गया, सब लोग जाग गए, देश में एसकेएम बन गया, उसमें विश्वास रखो। एसकेएम के हमारे बड़े लीडर, 40 बड़े लीडर हैं जो पूरे देश में लड़ाई लड़ रहे, आप उसमें भागीदारी करते रहे। अभी आप सब लोग बैठे रहेंगे, अधिकारी आपके बीच में है, अगला निर्णय अधिकारी क्या घोषणा करते हैं उसके बाद में निर्णय लेंगे, आप शांति से बैठे रहेंगे यहाँ पर डीएम और एसएस